नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज मेवकोर खेमचंद प्रजापति। धार जिले के सरदारपुर में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत। 4 साल पूर्व एक हत्या के मामले में जेल में बंद था, तबीयत खराब होने के चलते जेल प्रशासन द्वारा अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव प्रशिक्षण किया गया। जेल में से क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा जेलर की कार्य प्रणाली पर उठाए गए सवाल। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग की। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 12:20 में उन्हें अस्पताल लाया गया, पर वो मृत्यु घोषित थे। तो आपको सूचना देने का वायल हुआ? हमको सूचना देने जब यहाँ से वायलेंस गया, पुलिस वहाँ आई 2:20 पे। कितने साल से अंदर थे वो? 4 साल। क्या नाम उनका? हीरा लाल जी, किशन जी चौहान। आपका क्या नाम? मुन्ना लाल डावर। क्या लगते हो आप उनके? मैं भाई लगता हूँ। छोटा के बड़े? बड़े। आगे क्या आपको क्या करना है? आगे जाँच चाहेंगे भाई, लापरवाही तो रही है स्टाफ की, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम पहले होगा, जब भी तो ऐसा हुआ है, नहीं तो ऐसा होता तो नहीं है। अब आगे आप क्या चाहोगे? आगे यही के निष्पक्ष जांच होना चाहिए, बस ये चाहेंगे। का बंदी हीरालाल पिता किशन 302 में अपने जेल में सब जेल सदार में परिवृत्त था, लगभग 3 साल से परिवृत्त था। गत रात्रि मध्य रात्रि में ड्यूटीरत जवान के द्वारा ये सूचना दी गई कि उक्त बंदी की तबीयत खराब हो गई है। फिर मेरे द्वारा तुरंत रात को ही तत्काल जाके देखा गया और बंदी की स्थिति स्वास्थ्य को खराब को देखते हुए मेरे द्वारा तुरंत इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसको लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने इसका परीक्षण किया गया और अंत में इसको मृत्यु घोषित किया गया। मैं प्रदीप डामोर, सहायक जल अधीक्षक। उसको रात में 12:30 करिए मेरे पास लाया गया था। जब वो लाया तो मृत अवस्था में था वो, और आज मेरे द्वारा और डॉक्टर नितिन जोशी द्वारा सामने से उसका पोस्टमार्टम किया गया। हमें उसके शरीर पर आंतरिक रूप से बाहर कोई चोटें नहीं मिली है और हार्ट अटैक की आशंका है, इसके लिए हमने उसकी विसरा प्रिजर्व की और जाँच के लिए भेजे। साथ में पोस्टमार्टम के दौरान मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ उपस्थित थे, डॉक्टर एम एल जैन सामुदायिक स्वास्थ्य सरदार। मामले को लेकर आप यहाँ पर उपस्थित हुए थे, इस पर सर क्या कार्रवाई आप अगली करवाएंगे या प्रशासन से क्या मांग रखेंगे? हमारी मध्य प्रदेश की सरकार से, शासन और प्रशासन से यही मांग है कि उक्त जेलर की उपस्थिति में पूर्व में भी कैदी की मौत हो चुकी है और ये दोबारा फिर उक्त कैदी की मौत होना कहीं न कहीं यहाँ के जेल अधीक्षक की लापरवाही है। न्यायिक जांच की हमारी मांग थी, माननीय न्यायिक जांच मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जांच हो रही है, जो भी आता है, जो भी दोषी उसे बख्शा नहीं जाए, उसे दोषियों को सजा मिले। साथ ही साथ गरीब परिवार की आर्थिक सहायता के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से मैं 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की मांग करता हूँ। प्रताप ग्रेवाल, विधायक सरदारपुर। सरदारपुर से दीपक प्रजापति की रिपोर्ट।